मेरा नाम है कासिम और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टीबिया बोन या शरीर में कोई भी हड्डी टूटने के बाद आप जिस मेंटली ट्रॉमा से गुजरते हो वो आखिर है क्या। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था आज से 2 साल पहले, जिसकी मैं आपको एक्सरे दिखाऊंगा और साथ में उसका वीडियो भी दिखाऊंगा। 2022 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे पैर की हड्डी के 8 टुकड़े हो गए। उसके बाद मैं 1 साल तक बेड रेस्ट पर रहा। तो सर्जरी से लेके और बेड रेस्ट और उसके बाद किस तरीके से मैंने चलना शुरू किया, पहले छड़ी के साथ, वॉकर के साथ, फिर धीरे धीरे चलना और शुरू किया, फिर मैंने दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन करी, मैं काम पे गया, उस सारी जर्नी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ताकि आप लोग डीमोटिवेट ना हो। अक्सर होता है कि जब हड्डी टूटती है तो आदमी डीमोटिवेट हो जाता है, पहले वो हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल में एक्सरे होने के बाद डॉक्टर उसको कुछ झूठी बातें बताता है कि तुम्हारा ऑपरेशन होगा, 2 महीने में तुम ठीक हो जाओगे, 3 महीने में चलने लगोगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। असल में सारी चीज़ें शुरू होती हैं तुम्हारी सर्जरी के बाद। तुम्हारी सर्जरी हुई, उसके बाद तुम्हारे बॉडी में एक इम्प्लांट डला, कुछ प्लेट डली या स्क्रू डला, कुछ भी डला है, तो उसके बाद जो तुम्हारी हड्डी जुड़ेगी वो खाने पीने से ठीक होगी। मैंने कोई ज़्यादा दवाई नहीं खाई कि डॉक्टर ने कहा ये दवाई खाओ वो दवाई खाओ, बस एक पेन किलर रखी और दूसरी कैल्शियम की दवाई रखी जो ज़रूरी है हमारे लिए। आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये सितंबर चल रहा है, आज से 2 साल पहले 19 सितंबर 2022 को मेरा जब एक्सीडेंट हुआ, तो वो हुआ कैसे कि मैं रोड क्रॉस कर रहा था, जब मैं सड़क पार कर रहा था सड़क किनारे एक बुलेट वाले ने मुझे टक्कर मारी और वो टक्कर मार के इतनी स्पीड में था कि वो संभल गया, वो निकल गया सीधा और मैं वहीं गिर गया। मेरे पैर की हड्डी टूटी, हड्डी के 8 टुकड़े हुए टीबिया बोन के। लेकिन शहर अच्छा है चंडीगढ़, उसी टाइम यहाँ पे पुलिस आई, एम्बुलेंस टाइम पे नहीं आ पाई, पुलिस वाले आए, वो मुझे अपनी गाड़ी में लेके सीधा मुझे PGI लेके गए। PGI में मेरा एक्सरे हुआ, वहाँ मेरा MRI भी हुआ, उन्होंने पूरा ऊपर से नीचे अच्छे से चेक किया कि कहीं और तो चोट नहीं है, मेरे हाथ में यहाँ चोट आई थी और मेरा पैर टूटा था। हाथ की कोई चोट का मुझे इतना पता नहीं लगा क्योंकि पैर की चोट ज़्यादा बड़ी थी। फिर वहाँ से उन्होंने बताया मुझे PGI में कि यहाँ मेरा इलाज जो होएगा 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि PGI में आप लोगों को पता है भीड़ होती है, नंबर आता है सबका। पर मेरा इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस मैंने 4 महीने पहले कराया था और इंश्योरेंस के कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं जाता था मेरा। मैं किसी इंश्योरेंस का प्रमोशन करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, वो आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में काम आता है। जब मैं फिर अपने इंश्योरेंस से इलाज कराने के लिए अपने शहर पानीपत में गया हूँ, डॉक्टर से मेरी बात हुई, डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये आपकी सर्जरी होगी, इसमें प्लेट डलेगी, प्लेट डलने के बाद आप 15-20 दिन में चलने लगोगे। तो मैं बड़ा खुश हो गया कि 15-20 दिन में चलने लगूंगा, लेकिन सर्जरी होने के बाद मुझे चलने में पूरे 8 महीने का टाइम लगा। तो इसीलिए डॉक्टर झूठा आश्वासन देते हैं कि मरीज को शांति रहे, मरीज भड़के ना, घबराए ना, पर असल में टाइम लगने वाला है, आप लोगों को ये याद रखना है, और उस टाइम में परेशान नहीं होना है, क्योंकि जितना परेशान हो गए उतनी देर से दवाइयाँ काम करेगी, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे दिमाग के अकॉर्डिंग चलती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या खा रहे हैं। और दवाइयों से ज़्यादा ज़रूरी है आपका खाना पीना। दवाइयाँ आपके दर्द को कम कर देंगी, कैल्शियम को बढ़ा देंगी, लेकिन आपकी जो डाइट है वो रेगुलर होनी चाहिए। तो आगे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे क्या मैंने एक्सरसाइज करी, जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, कैसे मैंने चलना शुरू किया। पहले मैं छड़ी के सहारे चल रहा था, वॉकर के सहारे चला, फिर मैंने छड़ी छोड़ दी, वॉकर छोड़ दिया, मैंने धीरे धीरे चलना शुरू किया। अभी मैंने प्रॉपर रनिंग शुरू नहीं करी है, पर रनिंग भी शुरू करूँगा, उसको वीडियो भी दिखाऊँगा। आप लोगों के जो भी सवाल हैं, आप लोगों को कुछ पूछना है कि कितना टाइम लगेगा, कैसे चलना शुरू किया, क्या खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, आप लोग मेंटली परेशान हो, YouTube पे सर्च करके इस वीडियो तक पहुँचे हो, तो अपने जो भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा और एक पूरी सीरीज बनाऊंगा जिसमें मैं आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताऊंगा। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो टूटा है वो जुड़ेगा भी। तो जो भी सवाल है आपके कमेंट में लिखो, मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा और हर एक सवाल के ऊपर एक वीडियो बना के भी आप लोगों को दूंगा।